फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूसर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज री वेलोसिटी। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उसके बारे में हमने देखा था कि भाई अगले वीडियो में हमने क्या देखा था, करंट के बारे में हमने देखा था। तो करंट बेसिक क्या होती है कि भाई हमारे पास एक लोकेशन पे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज अवेलेबल है और दूसरी लोकेशन पे हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है। हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसका फ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो करवाने के लिए आप एक चार्ज पार्टिकल्स मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हो। तब जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट, और उसका यूनिट आपने निकाला था एम्पियर। तो बेसिक हमारी जो करंट की डेफिनेशन थी, वो करंट की डेफिनेशन कैसे हमने लिखी हुई थी कि भाई अमाउंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पर सेकेंड, इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन आप हमने बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने देखा था कि भाई डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, देन आफ्टर अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट। ठीक है, ओके, देन आप हमने ये भी स्टडी किया था कि भाई करंट डेंसिटी क्या होती है। तो बेसिक हमारी करंट डेंसिटी क्या होती है कि भाई हमारा करंट का कोई एक फ्लो हो रहा है और बीच हमने क्या रख दिया कि कोई एक क्रॉसेक्शनल एरिया, तो क्रॉसेक्शनल एरिया में से सभी करंट जाएगी। ठीक है, तो करंट इज अ पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, इट इज नॉन एज द करंट डेंसिटी, मीन्स के आई अपॉन ए, इट इज नॉन एज द करंट डेंसिटी। ठीक है, दिस करंट डेंसिटी इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, बट हमारा करंट इज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, बट उसके पास एक डायरेक्शन होती है। आपका करंट कैसे फ्लो होता है वो आपको मालूम है। आपके पास एक बैटरी अवेलेबल है, एक बैटरी के पास होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका जो करंट होता है ना, वो करंट पास आउट होता है पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल में। और आपका इलेक्ट्रॉन कैसे इसका ट्रांसफर होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज नेगेटिव और वो कहाँ पे जाना चाहता है, एक पॉजिटिव की प्लेट की तरफ जाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर टॉपिक इज ट्रिप वेलोसिटी, तो ट्रिप वेलोसिटी क्या होती है, और जो ड्रिप वेलोसिटी होती है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन मीन्स के ड्रिप हो रहा होगा। वो कैसे ड्रिप हो रहा होगा वो आपको देखना है कि बेसिक में पहले तो आपको ऐसा स्टडी करना है कि भाई हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर अवेलेबल है। तो आप क्या बोलते हो कि भाई कंडक्टर के इनसाइड क्या अवेलेबल होता है, कि फ्री चार्ज अवेलेबल होता है। ठीक है, और इंसुलेटर के अंदर मीन्स के कोई फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके इनसाइड फ्री चार्ज अवेलेबल है, मीन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो उसके इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो फ्री होए, इसलिए वो क्या मेटल की सरफेस से बाहर चले जाते हैं, नहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड क्या है भाई, एटमोसफियर अवेलेबल है। वो ओनली फॉर फ्री किस में, वो मेटल की बॉडी में फ्री है, बट वो मेटल की बॉडी से बॉडी को छोड़ के इसके वो एटमोसफियर में नहीं चला जाता। क्या लाया? ओके, अगर वो चार्ज पार्टिकल्स फ्री है और वो इनसाइड क्या करती है भाई, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो इनसाइड एक वी वेलोसिटी के साथ, एक थर्मल वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यूसली क्या करती है भाई, इसका ट्रैवलिंग करती है। और आपकी करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो को हम क्या बोलते हैं, एक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, करंट नहीं बोल सकते। ठीक है, ये जो सिंपल कंडक्टर है, तो सिंपल कंडक्टर क्या करंट प्रोड्यूस कर सकता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो बेसिक पहले तो आप ऐसा देखिए कि भाई ये जो आपका कंडक्टर है, वो कंडक्टर को आपने एक थर्मल एनर्जी दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक रूम टेम्परेचर पर रख दिया। यहाँ पे एक रूम टेम्परेचर है, तो उसका रूम टेम्परेचर कितना होता है वो आपको मालूम है, 27 डिग्री होती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, 300 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो आपने कंटिन्यूसली उसको एक थर्मल एनर्जी दी, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि भाई न्यूक्लियस की अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मिस क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है। तो आपने जो एनर्जी, थर्मल एनर्जी वो कंडक्टर को दी, वो थर्मल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को मिली, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। वो एक्साइटेड होकर वो फ्री हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ख्याल आया आपको? ठीक है, एट दी लोअर टेम्परेचर मीन्स के 0 केल्विन टेम्परेचर पे उसके पास मीन्स के कोई फ्री चार्ज ही अभी नहीं होता, तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा भाई, इंसुलेटर हो जाएगा। बट आपका टेम्परेचर यहाँ पे अभी 300 केल्विन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे एक एटम के स्ट्रक्चर में जो एक इलेक्ट्रॉन मीन्स के रिवॉल्यूशन करता है अपने एक न्यूक्लियस के अराउंड, बट वो अभी मीन्स के अपने न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्री हो गया, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी, एक थर्मल एनर्जी आपने दी। तो वो क्या करेगा, एक थर्मल वेलोसिटी के साथ मीन्स के वो कंटिन्यूसली एक मूवमेंट करेगा। चलाए देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे कंडक्टर अवेलेबल है और एक इलेक्ट्रॉन एक थर्मल वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जाता है। वो जो इस डायरेक्शन में जाता है तो उसके पास एक वेलोसिटी अवेलेबल होती है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन आ गया, तो उसके साथ उसने क्या कर लिया, एक कोलिजन कर लिया। तो जब वो कोलिजन करता है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, पहले उसके पास वी वेलोसिटी थी, बट आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी हो गई भाई 0। देना पर वो क्या करता है कि भाई इसी डायरेक्शन में जा रहा था ना, तो यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो उसके साथ अथड़ाया,
तो क्या होगा, उसके साथ मिसके कुलिजन होके वो एक उसकी डायरेक्शन वो चेंज कर लेता है, ऐसे वो चला गया। तो ऐसे चला गया तो वापस उसके पास क्या आ गई, एक थर्मल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो वो ऐसे मिसके कोई झिकझक मोशन वो बनाती है, चला है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमको क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पास फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिक हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे इसका फाइंड आउट करते थे, हम यहाँ पे खड़े हो गए और हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया और ऐसे गया। तेना पर हमने ये भी देखा कि भाई यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आया वो ऐसे गया, ठीक है। और बेसिक हमने ये भी देखा कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया वो ऐसे गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, चला है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया कि भाई नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मीन्स के एक करोड़ इलेक्ट्रॉन मीन्स के यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, इस वाली लोकेशन पे। ओके, तो ए वाली लोकेशन पे गया तो इतना ही इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ गया। तो टोटल आपका करंट कितना हो गया, टोटल आपका करंट हो जाता है जीरो। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होती है। यहाँ पे सपोज के एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, तो उसकी एक वेलोसिटी हुई वी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास एक थर्मो वेलोसिटी अवेलेबल है। और देन आफ्टर यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, सपोज के एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला गया, तो सभी की डायरेक्शन क्या हो गई, वो जो पहली वाली जो डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके अपोजिट हुई। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल आपको वेलोसिटी निकालनी है, थर्मल वेलोसिटी निकालनी है। तो आपकी थर्मल वेलोसिटी क्या आती है, जीरो। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपका चार्ज मीन्स का कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है, वो ओनली फॉर क्या कर रहा है, वो इंटरनल मीन्स के वन डायरेक्शन में रेंडमली डायरेक्शन में वो चला जाता है। वो रेंडमली डायरेक्शन में जाता है, इसलिए आपका नेट चार्ज मीन्स के क्या होगा, मीन्स का आपका नेट चार्ज एन इज इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि आपकी जो करंट है वो करंट मीन्स के एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, मीन्स के वो करंट मीन्स के ऐसी जाती है और ऐसी जाती है, ठीक है। तो आपकी टोटल करंट कितनी हुई, भाई जीरो हो गई, चल रहा है। तो इसलिए आपके पास जो कंडक्टर है वो कंडक्टर ने आपने एक रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, चल रहा है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा कि भाई एन जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला गया और इतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला जाता है, मीन्स के सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स वो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, 10^29 जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो सभी की डायरेक्शन कैसी है, रेंडमली डायरेक्शन है। और वो एक थर्मल वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करती है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमने वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन किया तो उसका आंसर वेलोसिटी हमको क्या मिली, जीरो। चल आया, हमारी वेलोसिटी फाइंड आउट हुई जीरो। और क्लॉपिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, तो आपके पास ऐसा कोई कंडक्टर अवेलेबल है कि भाई इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ठीके? और एटम में सेंटर में न्यूक्लियस अवेलेबल होता है ऐसे। ओके, तो इतना मैंने यहाँ पे एटम ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, ठीक है। ओके, और आप क्या करते हो, उसको एक थर्मल एनर्जी देते हो, तो थर्मल एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड, और एक्साइटेड होकर क्या हो जाएगा, मिसके फ्री हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हो गया और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ठीक है, सभी एटम में से मिसके आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने एक थर्मल एनर्जी को दे दिया। आप थर्मल एनर्जी को कैसे मिसके कैसे देते हो, ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर ने आपको एक रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो रूम टेम्परेचर में रखने से उसकी थर्मल एनर्जी मिस के ज़्यादा हो जाती है। वो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने से क्या हो जाती है, मिस के फ्री हो जाती है, ठीक है। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गए, बट वो जो मेटल की सरफेस है वो उससे बाहर नहीं हो जाती। क्यों, क्यों बाहर नहीं निकल जाती, क्योंकि यहाँ पे बाहर एक एटमोसफियर होता है और बाहर एटमोसफियर मिस के एक इंसुलेटर होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन मिस के ये मेटल की प्लेट की सरफेस से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं। ओके, तो उसने फ्री क्यों हुआ, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर में से जो आपके एक थर्मल एनर्जी थी वो थर्मल एनर्जी उसने एक गेन कर लिया और देन आफ्टर वो क्या हो गया, फ्री हो गया। ओके, तो हम उसको बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कंडक्टर में अवेलेबल होता है, ठीक है, बट हमारे पास जो इंसुलेटर होता है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसका जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा, वो न्यूक्लियस का फोर्स एक इंसुलेटर मटेरियल में बहुत ज़्यादा होता है और कंडक्टर मटेरियल में वो बहुत कम होता है, इसलिए आपने थोड़ी सी भी एनर्जी दे दिया तो वो फ्री हो गया। ओके, ऐसा मीन्स के हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10^29 जितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10^29 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मीन्स के फ्री हो गया। ओके, देना पर वो क्या करेगा, देखिए कि भाई हमारे पास वो जो कंडक्टर था तो वो कंडक्टर में कोई एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाती है,
और कोई एक इलेक्ट्रॉन में इसके इस डायरेक्शन में जाती है, और आपने ऑब्जर्वेशन किया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जाती है, कोई इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जाती है, मीन्स के वो सभी इलेक्ट्रॉन एक रेंडम डायरेक्शन में एक वी वेलोसिटी के साथ मीन्स के मूवमेंट कर रही है। और जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कि भाई थर्मल वेलोसिटी, एक थर्मल वेलोसिटी म्यू के साथ, थर्मल वेलोसिटी के म्यू के साथ वो सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, रेंडम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ से किया कि भाई एन जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला गया और बाकी का एन इलेक्ट्रॉन मिसके एक अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो टोटल उसकी वेलोसिटी क्या हुई, टोटल उसकी वेलोसिटी मिसके हुई जीरो। चलाए तो हम उसकी वेलोसिटी का क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे कि भाई दिस मोशन डज नॉट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट की मिसके बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू मिसके डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। तो यहाँ पे मिसके कोई चार्ज का मिसके फ्लो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का तो फ्लो हो रहा है, ऐसे मिसके एन इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, वैसे भी बाकी के एन इलेक्ट्रॉन मिसके यहाँ पे जा रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट। तो नेट आपका चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ, जीरो। आप क्यू इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन एन ई अपॉन टाइम टी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक करंट मिला वो इलेक्ट्रिक करंट आपको क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। ओके, तो ए वाली मोशन में से आपको कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस मोशन डज नॉट फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस मोशन डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, ओके। क्यों इलेक्ट्रिक करंट वो मिसके प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सपोज के एचओ वाली इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वी वन, और ए वाली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वी टू, ठीक है। और सभी के ऐसा कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वी एन इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, सभी की वेलोसिटी का यहाँ पे एडिशन कर लिया, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारी होती है थर्मल वेलोसिटी, तो उसका जो हमको आंसर मिला वो आंसर हमको क्या मिला, जीरो, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सम अप टू जीरो, तो यहाँ पे हमका मीन्स का जो सम करके हमका आंसर मिला वो क्या मिला, हमको जीरो मिला, इसलिए उसका जो करंट होता है वो करंट हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, चलाइए, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ओके, देखा कि भाई आपके पास जो कंडक्टर है उसने आपने एक रूम टेम्परेचर पे रखा, तो उसका नेट करंट क्या आ गया, जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया, क्योंकि आपने मिस कर देखा कि भाई एन जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे गया और दूसरा एन इलेक्ट्रॉन अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना बचा, भाई जीरो, ठीक है। ओके, तो इसलिए उसकी जो करंट आती है आई इज इक्वल टू आपकी फाइंड आउट होगी जीरो। ओके, देन आप हमको क्या देखना है कि भाई हमने जो एक कंडक्टर कंसीडर किया था वो कंडक्टर को आपको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखना है, तो आपको एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करनी है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया पॉजिटिव चार्ज की और यहाँ पे हमने प्लेट लगा दिया एक नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और उसमें हमने एक मीन्स कंडक्टर को कैप कर दिया, तो उसकी इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो वो कौन सा कैसा हो गया कि भाई आपने एक कोई एक चार्ज पार्टिकल्स को एक फील्ड में रखा हुआ है, अगर आपने कोई एक चार्ज पार्टिकल्स को एक फील्ड में रखा हुआ है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और एक कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, एक एफ इज इक्वल टू क्यू जितना। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्या है आपको, वो जो पॉजिटिव प्लेट होती है ना, तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लो होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज कैसे ट्रैवलिंग करता, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता और वो एक्सेलरेशन करने लगती है। वो एक्सेलरेशन कैसे करती है, एक पॉजिटिव मिसके हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इसका ट्रैवलिंग करेगा एक लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखी थी, तब वो एक थर्मल वेलोसिटी के साथ में इसके ट्रैवलिंग कर रहा था, बट वो एक रेंडमली डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहा था, ठीक है। तो आप देखिए कि भाई हमारे एक इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे, क्या रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन मिसके इस डायरेक्शन में जा रहे थे, और यहाँ पे हमारी पॉजिटिव प्लेट है, क्या रहा है, तो आपको मिसके ए लोकेशन से बी लोकेशन में आपको जाना था ऐसे, पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भाई इसी डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया,
इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा तो इस डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा भाई, एक एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन लगेगा तो उसका क्या होगा, एक वेलोसिटी लगेगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ड्रिप होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई जब जब मीन्स के कोई का एक्सीडेंट होता है, तो मीन्स के एक्सीडेंट कैसे होता है कि एक बाइक वाला मीन्स के ऐसे आता है और सामने से ऐसे ऐसे एक बाइक वाला आ गया और उसके साथ मीन्स के यहाँ पे अथड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ए बाइक की जो वेलोसिटी थी वो डायरेक्शन में थी, और यहाँ से मीन्स के ट्रक मीन्स के यहाँ से एक्सीडेंट होने से उसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, तो उसका रिजल्टिंग वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर आपका ऐसे है और एक दूसरी वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे है, तो आपका रिजल्टिंग वेक्टर ऐसे मिलेगा। तो ए बाइक वाला कैसे चला जाएगा भाई, ऐसे चला जाएगा। तो वो क्या हुआ भाई, एक्सटर्नल फोर्स से उसने ड्रिप कर लिया, उसको जाना था यहाँ पे, पर वो चला गया यहाँ पे, तो उतना डिस्टेंस उसने क्या कर लिया, ड्रिप कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को जाना था यहाँ से ऐसे, तो वो क्या करेगा भाई, एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट से वो क्या करता है, एक ड्रिप हो जाता है। चलाया ओके, ध्यान पर आपको क्या दूसरा देखना है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसके साथ उसने क्या कर लिया, कोलिजन कर लिया, और कोलिजन के टाइम पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तेरा पर क्या करता है, कोई केमिस के दूसरी डायरेक्शन में जाती है, ऐसे चले गए, ठीक है। तो ऐसे चले गए तो वापस उसके पास क्या आ गया भाई, एक मिस के एक फोर्स आ गया, उस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, ए फिजिक क्यू, और ए फिजिक क्यू वो वही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वापस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यही डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान अपना उनको क्या फाइन आउट करना कि भाई उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे हम खड़े रहे और हमने देखा कि भाई सभी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों सभी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। चलाया मीन्स के ए इलेक्ट्रॉन मीन्स के यहाँ से ऐसे पॉजिट्रॉन था, तो ऐसे उसने क्या कर लिया, कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन वो वापस कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे। तो सभी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, तो सभी इलेक्ट्रॉन यही डायरेक्शन में जा रही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हुई, सेम डायरेक्शन हुई, तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, और आपने काउंट कर लिया कि भाई एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला गया, और उसका टाइम लगा कि भाई कोई भी एक टी टाइम लगा, तो आपको क्या फाइन आउट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फाइन आउट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने कैसे फाइन आउट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन का ड्रिप करके, वो जो ड्रिप होती है ना, तो वो ड्रिप की वैल्यू ओनली फॉर 0.1 mm होती है, एक इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर 0.1 mm का ड्रिप करता है। ओनली फॉर 0.1 mm का ड्रिप होने से क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल सकती है, क्या ऑब्वियसली मिल सकती है, क्यों, क्योंकि आपके जो कंडक्टर आपने कंसीडर किया हुआ था ना, वो कंडक्टर पे आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 10^29, तो 10^29 जितना एलिमेंट मिसके एक साथ क्या करता है, 0.1 mm का डिस्प्लेसमेंट करता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको करंट भी कितना फाइन आउट होगा, बहुत ज़्यादा फाइन आउट होगा। ख्याल आया, ओनली फॉर वन एलिमेंट है, वन इलेक्ट्रॉन है, वो वन इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर 0.1 mm का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करता है, बट यहाँ पे हमारे पास एक 10^29 जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, सभी एक साथ मिस के फोर्स लगाएगा, सभी एक साथ फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स बहुत ज़्यादा मिस के उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन आप उसका इंटेंसिटी ऑफ करंट भी क्या वैल्यू हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ओके। देन आप आपको क्या स्टडी करना है, एक रिलैक्सेशन ऑफ टाइम के बारे में आपको स्टडी करना है। तो रिलैक्सेशन टाइम हम किसको बोलेंगे, देखिए कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज अवेलेबल है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, एक पॉजिट्रॉन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिसके कोई पॉजिटिव आयन अवेलेबल है, तो ऐसे वो चला गया, यहाँ से मिस के ऐसे चला गया, देन आफ्टर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। देन आफ्टर वो कहाँ पे चला जाता है, मिस के दूसरा पॉजिट्रॉन के पास चला जाता है, ठीक है। तो मिस के वन कोलिजन से दूसरा कोलिजन, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो पहले कोलिजन हुआ, वन कोलिजन से दूसरी कोलिजन पे आपका चार्ज पे कोई एक दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, वो क्या कर रहा है, एक रिलैक्स होके, वो रिलैक्स होके एक दूसरी लोकेशन में जा रहा है। इसलिए यहाँ से चलने के, यहाँ से ऐसे चला गया तो उसका टाइम लगा भाई 3 microsecond, और यहाँ पे ऐसे चला गया तो उसका टाइम लगा 2 microsecond, तो आपकी 5 microsecond पे उस पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था भाई, रिलैक्स होके, वो एक रिलैक्स होके, वो एक रेस्ट होके वो ऐसे चला गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। वो रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है, सभी के लिए आपको एक एवरेज माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो यहाँ पे पॉजिटिव ऐसा, तो वो डिस्टेंस मिस का कम हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस, तो उसके लिए टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन का इसके रिलैक्सेशन टाइम क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा, और एवरेज टाइम को हम बोलते हैं एक टाउ,
क्या है, आपको सभी के लिए एक एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, तो सभी हम फिनोमिना हम इसके यहाँ पे पेज में लिख के हम देखते हैं, ठीक है। ओके, देखा कि भाई हमारा टोटल करंट क्या मिल रहा है, हमको जीरो मिल रहा है, ख्याल आया। ओके, तो थर्मल वेलोसिटी सभी की मींस के अपोजिट डायरेक्शन में, रेनवे डायरेक्शन में मिल रही थी, इसलिए उसका टोटल करंट आपको मींस के जीरो मिल रहा था। देना पर आपको क्या देखना है कि भाई ये जो हमारा कंडक्टर था, वो कंडक्टर को आपको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देना है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट थी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट थी, इसलिए यहाँ पे फ्री चार्ज होके भी वो एक इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर आपको यहाँ पे सपोज के आपने यहाँ पे एक ऐसा एक प्लेट ला दिया और दूसरी प्लेट आपने ऐसी यहाँ पे ला दिया, तो वो जो प्लेट है वो एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज मिस के पॉजिटिव और उसका चार्ज होता है नेगेटिव, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज का, तो उसका पोटेंशियल हम क्या मान लेते हैं, हाई पोटेंशियल, और उसका पोटेंशियल क्या होती है, लो पोटेंशियल। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मिस के ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोड्यूस होती है, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर वो जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के इनसाइड बहुत सारे फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं एट द रूम टेम्परेचर मीन्स के रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, थर्मल एनर्जी को मीन्स के कंज्यूम कर लेती है, और वो कंज्यूम करके वो लास्ट प्रॉब्लम में से फ्री हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो मीन्स के फ्री हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और आपका मीन्स के पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में जाता है और उसके मीन्स के वो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस पर फोर्स कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई जितना फोर्स लगता है। चला ऐसा आपने एक फर्स्ट सेट में आपने स्टडी किया था कि भाई कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड आपको एक चार्ज पार्टिकल पुट करते हो तो उस पर एक एफ इज इक्वल टू क्यू ई जितना फोर्स लगता है, तो वो क्या करेगा भाई, फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में करेगा, एफ डायरेक्शन में, मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन में। तो उसका एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या आती है, कि फोर्स की डायरेक्शन में आती है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि भाई एक थर्मल वेलोसिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे जा रहा था, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, ड्रिप होने लगा। कैसे ड्रिप हुआ, देखिए कि भाई ये जो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक वी वेलोसिटी अवेलेबल थी, वो वी वेलोसिटी कौन सी अवेलेबल थी, थर्मल वेलोसिटी अवेलेबल थी, ठीक है। देन आप उस पर एक फोर्स लगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो कहाँ पे जाता है, एक लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो उस पर एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो वो उसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसके एड हो गए, इसकी वेलोसिटी हम नाम देते हैं V1 और उसकी वेलोसिटी का नाम देते हैं V2। देन आप हमको क्या करना है कि उसका रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके इस डायरेक्शन में जा रहा था, कौन सी वेलोसिटी के साथ, थर्मल वेलोसिटी के साथ, बट आपने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ए वाली वेलोसिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यही डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा ना, आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, यही डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में होगा और उसकी वेलोसिटी भी यही डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट ही निकालना है कि भाई आपका रिजल्टिंग कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो आपको जानना था यहाँ पे मीन्स के ए लोकेशन ए है और ए बी लोकेशन पे, आपको जानना था ए टू बी, बट आप चले गए बी डैश, तो बी टू बी डैश आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे भाई ड्रिप डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, ड्रिप डिस्टेंस, चल रहा है। और वो ड्रिप डिस्टेंस करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम को हम लगा देंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक ड्रिप वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिप हुआ और ए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे जाना था पर वो ड्रिप होके यहाँ पे चला गया, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे जाना था बट वो ड्रिप यहाँ पे हो गया और ये ऐसे चला गया, क्या लाया। तो सभी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक पॉजिटिव प्लेट के चार्ज, जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की टूवर्ड्स सभी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे ड्रिप कर रहे हैं, और वो कितना ड्रिप करता है, ओनली 4.1 mm, सभी एन मीन्स के एन चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो सभी एन चार्ज पार्टिकल्स ओनली फॉर 0.1 mm का जितना ड्रिप करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ड्रिप वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई, कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द हाई पोटेंशियल एंड द वायर इज मूविंग विद द थर्मल वेलोसिटी द ड्रिप इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस फिनोमिना इज द ड्रिफ्टिंग एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिप वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है कि भाई ड्रिप वेलोसिटी का फिनोमिना आपको लिख लेना है, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक एक डेफिनेशन बनाया है, देखिए कि भाई व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग
अक्रॉस अ कंडक्टर, तो यहाँ पे हमने हमारे कंडक्टर कंसिडर किया और उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स, तो उसके इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इक्वल्स टू क्यू जितना इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स के वो एक हाई पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो हाई पोटेंशियल एंड द वाइल द कीपिंग द मूविंग विद द थर्मल वेलोसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट थी तब वो एक थर्मल वेलोसिटी के साथ ऐसे मीन्स के मूव कर रहा था, देन अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस पर एक फोर्स लगा, तो फोर्स लगा तो वो क्या करने लगा, थर्मल वेलोसिटी इज अ ड्रिप इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस फिनोमिना इज अ ड्रिफ्टिंग, तो उसको वो वाली फिनोमिना को हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्टिंग फिनोमिना बोल सकते हैं, ठीक है, तो और उसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज अ ड्रिप वेलोसिटी, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई वो सभी सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिप कर रहा है, तो आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपने देखा कि भाई सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो बोले ना ओनली फॉर 0.1 mm का डिस्प्लेसमेंट कर रही हो, बट सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो आप उसको काउंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे n जितना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा था और इतना इलेक्ट्रॉन मिसके दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए आप उसको मिसके टोटल आप फाइंड आउट करते हो, तब आपको टोटल क्या फाइंड आउट हुआ था, जीरो, बट यहाँ पे जीरो नहीं फाइंड आउट हुआ रहा था क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन मिसके हाई पोटेंशियल की टूवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग के कारण मिसके यहाँ पे जो आपकी ड्रिप वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई और ड्रिप वेलोसिटी के रीजन से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा, चलाइए आपको, तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई व्हेन वी आर द कंडक्टर केप्ट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इसमें से आपको एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, चलाइए, तो इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स के फ्लो होने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, ड्रिप वेलोसिटी, दिस ड्रिप वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट बिकॉज दिस इज अ नॉट कैंसल आउट, ठीक है, तो ये ड्रिप वेलोसिटी आपकी कैंसल आउट नहीं होती है, दिस ड्रिप वेलोसिटी इज अ वेरी स्मॉल टू द ऑर्डर ऑफ द 10^-1 mm, क्योंकि वो ड्रिफ्टिंग के कितना करता है, ओनली फॉर 0.1 mm का ड्रिफ्टिंग करता है, तो 0.1 mm का ड्रिफ्टिंग करता है तो उसकी मिस के जो उसके कारण जो आपको करंट की इफेक्ट मिलेगी वो क्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल सकती है, बट यहाँ पे आपका मिस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल है, 10^-29, अगर 10^-20 के 9 के साथ 10^-29 जितना इलेक्ट्रॉन एक साथ मिस के 0.1 mm का मिस के डिस्प्लेसमेंट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके कारण आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ करंट है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्या रहा है आपको, ओके तो आप देखिए कि भाई दिस ड्रिफ्टिंग द वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट बिकॉज दिस इज अ नॉट कैंसल आउट दिस ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, यहाँ पे आपकी ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कैंसल आउट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि आपकी ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी की कोई एक पर्टिकुलर की डायरेक्शन में आपकी जा रही है, आपका इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग कर रहा है, इसलिए उसकी आप वेलोसिटी को कैंसल आउट नहीं कर सकते हो, दिस ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल टू द ऑर्डर ऑफ द 10^-1 mm, उसका ड्रिफ्टिंग कितना होता है, ओनली फॉर 10^-0.1 mm का ही होता है, बट स्टिल इट इज द इफेक्टिव टू मेक द करंट बिकॉज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, 10^-29 जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो 10^-29 इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसलिए उसका जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, ओके, तो आपकी करंट मीन्स के I=NE/T यहाँ पे मिल सकती है, चलाइए आपको, तो मैं यहाँ पे एक वापिस मिस के आपको रिवाइज करवा देता हूँ, देखिए कि भाई पहले आपने एक कंडक्टर को कंसीडर किया था और एक कंडक्टर को आपने एक रूम टेम्परेचर पे पुट किया, तो रूम टेम्परेचर के कारण उसको एक थर्मल एनर्जी मिल गई और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मिस के फ्री हो गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मिस के ये एटमोसफियर से बाहर नहीं जा सकता, क्या है मिस के वो एटमोसफियर में नहीं जा सकता, वो ओनली फॉर मेटल सर्फेस में ही रहता, वो मेटल सर्फेस के बाहर नहीं जा सकता, तो वो बहुत सारे 10^-29 जितने इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं वो क्या करती है कि वी वेलोसिटी के साथ मिस के रेंडमली डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो वो जो रेंडमली डायरेक्शन में मूवमेंट करती है तो उसका हम वेलोसिटी का एडिशन करेंगे, वो वेलोसिटी हम बोलते हैं भाई थर्मल वेलोसिटी, तो वो थर्मल वेलोसिटी का एडिशन हम करेंगे तो वो आ जाता है जीरो, तो वो क्या बताती है कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन के पास कोई वेलोसिटी अवेलेबल नहीं, वेलोसिटी अवेलेबल नहीं तो आपको कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलने वाली, ठीक है, तेना पर आपने क्या किया एक एक्सटर्नल यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर दिया और इसमें आपने वो बॉडी को यहाँ पे पुट कर दिया और आपने देखा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन मिस के ड्रिप करता है, कहाँ पे ड्रिप करता है, जहाँ पे आपका फोर्स लगता है वहाँ वही डायरेक्शन में वो ड्रिप करता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी यही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तो आपने ऐसा बहुत सारे मिस का ड्रिप देखा बट वो ड्रिप बहुत कम होता है, ओनली 0.1 mm ही करता है, बट इसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपका जो करंट मिलने वाला है वो करंट इसका इफेक्टिवनेस करंट मिलेगा और करंट आपको यहाँ पे मिलेगा I=NE/T, ओके, देन आप आपको क्या देखना है कि भाई आपको एक ड्रिप वेलोसिटी को डिराइव करना है, तो आपको एक डेरिवेशन देखना है ड्रिप वेलोसिटी का, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिप वेलोसिटी, हम ड्रिप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए एक्सप्रेशन फॉर ड्रिप वेलोसिटी, तो आपने जो एसी यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर की हुई थी, एक कंडक्टर आपने ऐसा कंसीडर किया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मींस के एसी मिल रही थी, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन मींस के ऐसे मूवमेंट हो रहा था, ऐसे मींस के आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिप हो रहा था यही डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन में आपका ड्रिप हो रहा था, तो उसके पास जो इनिशियल में उसके पास वेलोसिटी कौन सी थी, उसके पास कोई वेलोसिटी अवेलेबल नहीं थी। तो आपको यहाँ पे एक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो आप वेलोसिटी का इक्वेशन कौन सा यूज़ कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। तो आपका इक्वेशन क्या मिला, v इज इक्वल टू ए टी मिला। तो वो इक्वेशन आपको क्या बताती है कि भाई टी टाइम तक आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्सेलरेशन होगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई टी टाइम तक मीन्स के उस पर एक कंटिन्यूसली एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा इसके कारण वो क्या करता रहेगा, ड्रिप करता रहेगा। तो वो टाइम हमको निकालना है, वो आप टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कंडक्टर अवेलेबल था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में हमको मिल रही थी। तो देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा भाई, उसको यही डायरेक्शन में जाना है ना, बट वो ऐसे जाएगा। तो उसके पास स्टार्टिंग में इसके वेलोसिटी अवेलेबल थी वी वन, ठीक है। तो वी वन वेलोसिटी से वो गया और इसके साथ उसने क्या कर लिया, इसके कुलाइन कर लिया, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो गई जीरो। तेना पर वो क्या करेगा भाई, यही डायरेक्शन में जाएगा, चलाए क्योंकि यहाँ पे का पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो उसकी डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया। तो आफ्टर कोलिजन के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ख्याल आया। और जब वो कोलिजन होता है तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, देना पर उसकी वेलोसिटी वापस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग दी थर्मल वेलोसिटी एंड देन आफ्टर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण यहाँ पे आपके एक वापस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाती है। तो आपको ये टाइम कितना काउंट करना है कि भाई पहले आपका इलेक्ट्रॉन मिस के ऐसे ट्रैवल किया और यहाँ पे उसने कोलिजन किया, तो वो जो कोलिजन मिस के करता है वन कोलिजन टू सेकंड कोलिजन, ठीक है। मिस के ये दोनों कोलिजन की बीच का जो टाइम, ये दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, वो टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, मिस के एक टी टाइम बोल सकते हैं। तो वो टी टाइम कितना लगता है कि भाई जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इतना टाइम मिस के ज़्यादा लगेगा, और डिस्टेंस कम होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम मिस का टाइम भी कम लगेगा। वो टाइम को हम क्या बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं। क्यों, जब वो इलेक्ट्रॉन पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन में इसके फोर्स लगाती है, तब दूसरी कोई पॉजिटिव आयन उस पर फोर्स नहीं लगाती है, तो वो क्या करती है, इसके रिलैक्स होकर यहाँ से ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो उस पर कोई एक दूसरा फोर्स नहीं लगता है, दूसरा फोर्स नहीं लगता, तो हम उसको क्या मान लें कि भाई वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसके वो रिलैक्स हो रहा है, तो वो रिलैक्स होकर ऐसे चला जाता है, तो उसको उस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं भाई, रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं, चला जाए। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हम लिख लेते हैं कि भाई, और रिलैक्सेशन टाइम का हमने एक सिंबल बना दिया, वो सिंबल है हमारा मिस के, हमने एक सिंबल बना दिया, वो सिंबल मिस के हम लिखते हैं कि भाई टाओ, रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या लिखते हैं, एक टाओ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम हम उसको लिख सकते हैं एक टाओ। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम इज द, उसकी डेफिनेशन भी बना देते कि भाई इज द टाइम प्रियर। ओके, यहाँ पे हमने रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन बना लिया कि भाई रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम पीरियड फॉर द इलेक्ट्रॉन इलेप्स द बिटवीन द टू कंजर्वेटिव कोलिजन्स। मीन्स का ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो एक मीन्स का आफ्टर कोलिजन हुआ, तो यहाँ पर वो सेकंड मीन्स का पॉजिटिव आयन की तरफ वो चला जाता है, ठीक है। तो मीन्स के इतना मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जितना वो टाइम लगेगा, वो टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स के वन कोलिजन से सेकंड कोलिजन को जाने के लिए आपको जितना टाइम लगता है, वो टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो कैसे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो इन उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। सभी रिलैक्सेशन टाइम क्या मिलता है हमको, डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस डिफरेंट है। सपोज के डिस्टेंस है डी वन, ए डिस्टेंस है डी टू, और ए डिस्टेंस है डी3, तो सभी का इसके रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो आपको रिलैक्सेशन टाइम आप क्या टाउ लिख सकते हो, आपको टाउ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिस के यहाँ पे एक एवरेज टाइम लगाना पड़ेगा।
देखे कि भाई 1 किलोमीटर मिस के यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का उसको ट्रैवलिंग करना है तो उसका भी डिस्टेंस कोई डिफरेंट आएगा, 1 किलोमीटर मिस के यहाँ पे तो उसका भी डिस्टेंस कोई डिफरेंट आएगा, 1 किलोमीटर मिस के यहाँ पे तो उसका तो डिस्टेंस बहुत कम है तो उसका टाइम भी क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो सभी का रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी का टाइम का मिस का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो भाई टाओ इज इक्वल टू T1 + T2 + T3 ... ऐसा हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10^29, तो हम मान लेते टी एन टाइम, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन चला है। तो इतना मिस के आपको टाइम का सभी का क्या करना पड़ेगा, एवरेज, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। देन आप आपको क्या निकालना है कि भाई एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए कि भाई ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी फाइंड आउट हुई, तो हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स पे एक फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई जितना लगता है, ठीक है। तो हम हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है एफ इज इक्वल टू हम क्यू ई मान सकते हैं, क्यू ई, तो वो जो फोर्स लगा तो हमारा चार्ज पार्टिकल के पास मास भी अवेलेबल है, वो मास पार्टिकल्स मीन्स के ऐसे ट्रैवलिंग करने लगा, मीन्स के उस पर एक एक्सेलरेशन लगा, तो एक्सेलरेशन लगता तो एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, बट हमारा चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस ई ई अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन। तेरा प्रॉब्लम को क्या करना है कि भाई एक्सेलरेशन मिल गया और टाइम टाइम मिस के आपको मिल गया कि मिस के रिलैक्सेशन टाइम, और दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो हम उसको बोलेंगे वी वी फॉर, हम एक का एक पार्टिकल का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई वी वन, तो वी वन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई ई अपॉन एम इंटू टी वन, बट आपको सभी की बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज लिखना पड़ेगा, और एवरेज को हम क्या बोलते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज एवरेज वेलोसिटी मीन्स के ए वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाओ, चला है। तो टाओ क्या है, टाओ आपकी मीन्स के एक रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। दिस एवरेज वेलोसिटी इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ई इन द डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रिप वेलोसिटी, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ट्रिप वेलोसिटी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक मीन्स के ड्रिप हो रहा है, ठीक है। तो वी एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं कि ड्रिप वेलोसिटी, ड्रिप, तो वी ड्रिप इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाओ लिख सकते हैं, चलाया, ओके। तो हमारा इक्वेशन जो बना वो हमारा इक्वेशन मीन्स के ड्रिप वेलोसिटी का इक्वेशन बना, ओके। नेक्स्ट मैं आपको क्या बोलता हूँ कि भाई आपने मीन्स के यहाँ उसको क्या कहाँ पे रखा है, एक रूम टेम्परेचर पे रखा है, तेना पर मैं क्या करता हूँ कि भाई उसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैंने उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी ड्रिप होने की वेलोसिटी क्या हो जाती है, मीन्स के इंक्रीज हो जाती है, थर्मल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। अगर उसकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के उसका टाइम क्या लगा, डिक्रीज लगा, खेला है आपको। तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे टाओ मीन्स के आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या लगता है, डिक्रीज लगता है, खेला, तो ऐसे वो स्पीड से चला जाता है। अगर स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगा तो उसका टाइम क्या लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और ये लास्ट वाला इक्वेशन देखिए कि आपने क्या लिखा था, वी डी इज इक्वल्स टू आप मैग्नीट्यूड में लिख सकते हो, तो ई ई अपॉन एम इंटू आप टाउ में लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि भाई आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ड्रिप वेलोसिटी होता है, ड्रिप वेलोसिटी की किसके कारण वो रिलेशनशिप बना रही है आपका, तो ई तो क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल वो तो आपका कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी कांस्टेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज़्यादा कर दिया तो आपकी ड्रिप वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स के वो ड्रिप ज़्यादा होगा, ठीक है आपको। तो वो किसके मीन्स के डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो डिपेंडेंट है। देन आप वो टाओ पे डिपेंडेंट, टाओ हमारी क्या होती है, एक रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, तो हमारी ड्रिप वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हुआ, तो आपकी ड्रिप वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ख्याल है आपको। अगर आपको ड्रिप वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगर आपको ड्रिप वेलोसिटी को डिक्रीज करना है तो आपको टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आपका टाउ डिक्रीज होता है और ड्रिप वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। ड्रिप वेलोसिटी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि टाउ आपका डिक्रीज होता है, चला है, और यहाँ पर आपकी ड्रिप वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ओके। तो ऐसे यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप मिल रही है। ये इक्वेशन से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर चेंज करने से आपकी एक ड्रिप वेलोसिटी चेंज होती है, ओके।